ये देखिए माल बर्दारी हो रही है। कोई बात नहीं, देख रहे थे उसको। खदीजा लोडिंग कर रही है और जारा भी लोडिंग कर रही है, और जो हसीब है वो क्या करेगा, पहुंचाएगा, माल बर्दारी करेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलो ना फिर। हसीब ये मैंने कहा है टोकरी मत भरो, टोकरी टूट जाएगी। चलो आगे चलो, आगे चलो। या बस ये मंजिले मकसूद तक पहुंच गए। अब इसकी अनलोडिंग करो। अब्दुल्ला नमाज नहीं पढ़नी, आज भूल गए हो, ठीक है बात है। चलो पढ़ो, शाबाश पढ़ो। अब्दुल्ला मैं उतारती हूँ। चलो कुकर पे लग जाए। चलो मैंने अब्दुल्ला नमाज पढ़ो। चलो चलो बस, बहुत है सही, बहुत है, इतनी कहाँ रखूंगी मैं, बस। आज मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो खाना बनाएंगे, देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। वैसे वो अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो मैंने इनको दाल, चने की दाल बनानी है। तो हम ना असर का तो टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ ली है, तो सिर्फ ना जल्दी मगरिब से पहले पहले फारिग होने के लिए मैंने इसको दाल को कुकर में रखा है गलने के लिए। सिर्फ 5 मिनट में गल जाएगी, फिर उसके हम भूनेंगे इसको ना। मैं पहले उबाल के फिर भूनते हैं, वो बड़ी ही आउट क्लास बनती है, और ऐसे मेरी सास बनाती थी, मैंने पहले भी बताया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और देखते हैं आज निकली है धूप तकरीबन कितने दिनों बाद, नहीं मतलब निकलती है 12-1 बजे, लेकिन वो एंड वाली चारपाई पे होती है धूप, वहाँ पे बंदा बैठ सकता है। लेकिन शुक्र है निकली, फिर भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है थोड़ी सी धूप निकलने से भी, ना निकलने से बेहतर है ना, कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नन, तो वो वाली सूरत हाल है। तो बच्चे ना अब क्या कर रहे हैं, इनको मैंने ना काम लगाया कि ना ये जो डक्के हैं ना, क्या गुटके जैसे बोलते हैं ये 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 वाले, तो ये लेके आ रहे हैं बास्केट में। सी भी आपकी बास्केट टूट ना जाए, ये कमज़ोर होती है। तो ये देखो पीछे भी इसने रखी हुई है, यहाँ पे कहाँ नज़र आनी आ रही है, ये रखी हुई है और ये भी रखी हुई है इसने, इसमें बटल में डाल दें। सही भी है तुम्हारी, ये जो टोकरी है ना इस पर ना डालो, ये टूट जाएगी इस। और इसके बाद साइकिल ठीक हो गई है फाइनली, बड़े ही दिनों बाद। इसके बड़े ही मसले थे साइकिल, ब्रेकें भी रहती हैं, ये ना गिरती है ना साइकिल, तो ब्रेकें बाबा करवा देंगे। चलो ठीक है, बिस्मिल्ला। और देखो बच्चे खरीदा भी लगी हुई है। अच्छा ये बच्चों की बेस्ट एक्टिविटी है जो मैंने तक अभी तक अपने ना क्या कहना चाहिए हासिल मताल है कि बच्चों को एंगेज रखे अपने साथ। अच्छा जी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये ना सेंटीक है, क्या कहते हैं कबूतर, जो हस्बैंड लाए थे उन्होंने बच्चे दिए हैं। ये वाली और किस्म है, वो वाली और, वो दो सेंटी हैं। और आज निकली है पहली दफ़ा धूप, तो हमने इनको बाहर निकाला है, और ये थोड़े थोड़े बड़े भी हो गए हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े क्यूट हैं, क्यूट बहुत ज़्यादा। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं इनको देख के, क्योंकि पहले तो इनको अंदर देखते थे इनके जो जगह बनी हुई है, आज इनको बाहर निकाला है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इनको हम टायर के अंदर रखे ताकि ये अपनी हदूद में रहें।